हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज का ये वीडियो मैंने 7th स्टैंडर्ड के लिए बनाया है, जनरल साइंस का, जिसके जो फर्स्ट लेसन है लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये लेसन का मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स और अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और उसे कैसे देखना है ये मैंने आप लोगों को आगे दिखाया है, आप उसे ज़रूर देख लो। तो बच्चों, आप लोगों को और मेरे वीडियो चैनल्स में जाकर अगर प्लेलिस्ट ऑन करने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज सब लेसन्स डाल दिए हैं। और जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड भी कर रही हूँ। तो आप कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप सीधे मेरे जो चैनल में आप जाओगे वीडियो देखने के लिए, उसके बाद यहाँ नीचे आपको टैप करना है, फिर मेरा वीडियो चैनल आ जाएगा। यहाँ पर वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, आप वीडियोस में भी जाओगे तो ऑल वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज मैंने सब सब्जेक्ट दिए हैं, उसे भी आप देख सकते हो। और अपने स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपने वीडियो सर्च कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसे फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप लोगों को फिर डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने 2 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, अब मैं आगे का जो पार्ट है, ये लेसन जो है इसका मैंने 2 पार्ट्स दे दिया है। अभी मैं आगे का जो पार्ट पेज नंबर 7 से है स्टार्ट करूँगी। इसमें हम एडाप्टेशन के बारे में सीख रहे हैं, किस तरह से क्लाइमेटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाते हैं, उनका फूड स्टाइल कैसे होता है, ये सब हम ये लेसन में देख रहे हैं। एडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, अभी हम एनिमल्स में कौन से एडाप्टेशन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, ये देखेंगे। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बियोरस एंड कार्नियोरस। मैंने पहले वीडियो में बताया है हर्बियोरस मतलब क्या है और कार्नियोरस, तो आप उसे देख लो। हर्बियोरस मीन्स और कार्नियोरस दोनों का मीनिंग मैंने दिया है। स्पेशल अडाप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। तो जो फीडिंग है और खाना है वो ईजीली कैसे हो, ये अडाप्टेशन में स्पेशली उसको कैटेगराइज किया गया है। We will discuss this in greater detail in the chapter on nutrition. तो nutrition के chapter में हम उसको detail में देख सकते हैं। Watch the program on channels like National Geographic Wild Discovery. तो आप लोग ये Wild Discovery channel जो आता है उस पर आप देख सकते हो, आप लोगों को बहुत सारे animals में जो changes है ये सब देखने मिलेंगे, etc. To learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. तो आप लोग ये सब इसमें देख सकते हो। Now, here is given some pictures about the animals' adaptations for food in animals. So you can see now here, snake क्या कर रहा है, he is catching his prey. उसने क्या किया है, frog को catch किया है, prey किया है feeding के लिए। Then here we can see the bird. Then ये birds क्या करते हैं, ये जो छोटे insect है उन्हें खाते हैं। Then here we have snail. This is like a snail. And here we have butterflies. Then woodpecker, जो woods के अंदर जो कीड़े होते हैं उन्हें पैक करके खाता है, ठीक है। और butterfly क्या करता है, he suck the nectar from flower. तो इस तरह से सबके खाने के तरीके अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट मेथड ऑफ हैविंग फूड। देन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन, तो ये ओन ऑब्जर्वेशन से भरना है चार्ट। इसमें एनिमल्स दिए हैं, एडाप्टेशन दिया है, एनिमल्स एंड यूज ऑफ एडाप्टेशन। तो अभी हम देखेंगे शार्प टीथ किसके हैं, लायन एंड टाइगर, जो हमने एनिमल्स के कैटेगरी में देख लिया है। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक किसके होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, अगर हम देखेंगे एडाप्टेशन एनिमल्स यूज ऑफ एडाप्टेशन,
तो एडोप्टेशन क्या हुआ है चेंजेस और कौन से एनिमल्स हैं, देन उनके यूजेस क्यों चेंज हुआ है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, शार्प टीथ, लायन, टाइगर। सो विच एनिमल्स हैव शार्प टीथ, लायन एंड टाइगर, एंड व्हाई दे यूज दैट, दे यूज दैट टू टियर द फ्लैश, फ्लैश को टियर करने के लिए, फाड़ने के लिए खत करते हैं। तो ये जो आगे के एग्जाम्पल्स दिए हैं एडोप्टेशन के चेंजेस, इसके आंसर्स मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगी और आंसर्स भी दे दूंगी। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट पार्ट, एडोप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ अपने आप को ब्लेंड करना, चेंज करना, उसे कहते हैं कैमोफ्लैश। वी कैन नॉट इजीली स्पॉट कॉलर्स, बटरफ्लाई, लिजर्ड्स एंड ग्रास ऑपर्स, दे गेट कैमोफ्लैश। कैमोफ्लैश मतलब अपने आप को सराउंडिंग जैसा है, आजू बाजू का जैसे वातावरण है, कलर जैसे है, वैसे चेंज करना। एडमिस्ट ग्रासेस, तो क्या करते हैं, अपने आप को कैमोफ्लैश करते हैं, जैसे ग्रास में गए हैं तो ग्रास जैसा अपना कलर चेंज कर देते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव, फ्लावर्स एक्सेट्रा। और देखिए यहाँ पर दिया है, अगर वो स्टेम पर है तो स्टेम जैसा कलर चेंज करेंगे, लीव्स पर है तो ग्रीन कलर, फ्लावर्स है तो फ्लावर के जैसे कलर। That is because their colors blends with those of their surrounding. तो उनके जो colors है surrounding के साथ blend हो जाते हैं। Changes that take place in the various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, produce to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surrounding. Depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptation. तो animals को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, खाने के लिए, खुद को खाना ढूंढने के लिए, then उसी तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए, perpetuate themselves and protect themselves, protect करने के लिए from enemies को, enemies से protect करने के लिए, दे हैव टू कीप चेंज, अपने आप को उन्हें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल कंडीशन। और इसे ही क्या कहते हैं, एडाप्टेशन, मतलब अपने आप में चेंजेस लाना, वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप में, अपने बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, इसे ही कहते हैं एडाप्टेशन। ऑलवेज रिमेम्बर, क्या दिया है पॉइंट टू रिमेम्बर, एडोप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, ये इमीजिएटली होने वाला, आज सोचा है कल हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, ये होते रहता है। डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स एंड अपियरेंसेस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल्स एंड एनिमल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो आर द एडोप्टेशंस दैट ऑक्यर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कंडीशंस। इट इज अवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी, और ये जो चेंजेस आते हैं इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू कंजर्व देम, हमें उसे अपनाना पड़ता है, लेना पड़ता है। और सो हमें पता है कि ऐसे हम पहले, हमें पता है ना कि ह्यूमंस भी कैसे थे, लाइक एप मंकी के जैसे थे, लेकिन देखो अब ह्यूमंस पूरे चेंज हो गए हैं। अगर हम मंकी को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो इसमें कितने चेंजेस आए हैं, तो दीज आर द एडोप्टेशन दैट वी हैव डन, अपने अंदर ये एडोप्टेशन हुए हैं। और इसे होने में बहुत ही साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में डार्विन्स का कौन सा थ्योरीज दिया है, कौन से चेंजेस में थ्योरी दी है, डार्विन ने क्या देखा था, इसके बारे में क्या स्टडी किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। ग्रेट साइंटिस्ट इज द डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन अ बायोलॉजिस्ट, स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडॉप्ट देमसेल्फ टू अ चेंजिंग एनवायरमेंट। और चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है, जो एक बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या कहा है, तो वो प्लांट और एनिमल्स जो अपने आप में जो एडॉप्ट कर सकते हैं, बेस्ट एडॉप्ट कर सकते हैं, वो ही एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव देमसेल्फ, अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल. तो ये डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट मीन्स अपने आप को वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाकर खुद को जिंदा रखना. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन. और अगर जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है और वो अपने आप में वहाँ के सर्वाइव करने के लिए वहाँ के जो वहाँ का एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज होकर वो अगर बॉर्न होता है तो वो चेंजेस फिर आगे के जनरेशन में कंटिन्यू रहते हैं. दिस इज डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और ये इसका डार्विन का सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, अपने आप को जब बॉर्न होने के टाइम पर ही क्या करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ चेंज करके वो बॉर्न होते हैं और वो उसी तरह से फिर उनका न्यू जनरेशन भी होता है. इसे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरली सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है. देन वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन नाउ मतलब क्या करना है, क्लासीफाई करना है, सेपरेट करना है. व्हाई आर लिविंग थिंग क्लासिफाइड एंड विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफाइंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और प्लांट्स और एनिमल्स क्लासिफाई करने के कौन से क्राइटेरियाज है हम उसे भी देखेंगे. इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम. द क्लासिफिकेशन हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट. तो अभी सब इतने टाइप के अलग अलग टाइप्स के प्लांट, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इतने हैं तो सबका एक साथ में स्टडी करना दिस इज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर उन्हें क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. द डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंटरडिपेंडेंटली क्लासीफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. द हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशंस दैट स्टार्ट्स विथ किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी. हाँ तो ये क्लासिफिकेशन कौन से कैसे स्टार्ट हुआ है, किंगडम और किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी. फर्दर ग्रुप्स आर सब ग्रुप. तो ये मेन ग्रुप के बाद में क्या बन गए, सब ग्रुप्स बन गए मतलब दूसरे और छोटे ग्रुप्स बन गए. आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. और फिर वो क्या चेंज इसमें फिर से क्या हुआ, सिमिलैरिटीज जो है सिमिलर जैसे है वो, और चेंजेस क्या है उसमें डिफरेंसेस क्या है, इस तरह से उन्हें और फिर दूसरे पार्ट में उसे सब ग्रुप बनाया गया. दिस इज कॉल्ड द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसे क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब उन्हें अपने अलग ग्रुप बनाकर फिर उसके सब ग्रुप बनाकर उसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना. नाउ वी विल सी द बाइनोमियल न्यूमैन क्लेचर्स बाय चार्ल्स लिनियस. अभी चार्ल्स लिनियस है उन्होंने क्या दिया है वो भी हम देखेंगे. इमेजिन दैट देर आर फोर स्टूडेंट्स विथ अ नेम कबीर और किरण. अभी समझो आप कबीर या किरण नाम के चार बच्चे हैं जिसका नाम एक जैसा ही है. इन क्लासरूम, इन योर क्लासरूम, इन अ क्लासरूम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम. और आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, हाउ वुड यू इंश्योर दैट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट. तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से कबीर के बारे में या कौन से किरण के बारे में बात कर रहे हो. विदाउट एनी कन्फ्यूजन, तो आपको विदाउट कन्फ्यूजन आप समझ जाओ कि ये कौन से किरण के बारे में बोल रहा है या बोल रही है. तो वी वुड टेल द नेम, फुल नेम दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कबीर अगर चार कबीर है तो हम वो कबीर का सरनेम तो हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि सरनेम अलग अलग हो सकते हैं, या हमें उसका मिडल नेम जो है उसे यूज करेंगे फर्स्ट नेम और हमें लास्ट नेम यूज करना है.
दिस इज सिमिलर टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म. अकॉर्डिंगली अ साइंटिफिक नेम हैज बीन असाइंड टू ईच ऑर्गेनिज्म. और उन्हें फिर साइंटिफिक नेम दिया गया है. ईच ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अवेलेबल है लिविंग वर्ल्ड में, वो सबको क्या दिया गया है, नेम्स दिए हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज जीन्स एंड द सेकेंड स्पेसीज. तो ये टू पार्ट्स दिए हैं. ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ बायनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर. तो ये इंटरनेशनली उसे नेम दिया है. लाइक अगर बच्चों में एग्जांपल दूँ आपको, तो हम अगर किसी भी चीज़ को इंडिया में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अभी जो कोरोना हम देख रहे हैं सब जगह पे फैला हुआ है, कोरोना वायरस है, तो ये वायरस को हम इंडिया में कोरोना कहते हैं, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उसे वही नाम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है. या कोई और हम अगर एक प्लांट के बारे में देखेंगे तो हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके हिंदी में नाम बदल सकते हैं, लेकिन उसका जो आइडेंटिफाइड मेन नाम होता है इंटरनेशनली दिया हुआ है, वो सब जगह पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम रहेगा. ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पेसीज आर सो सिमिलर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व. तो क्या होता है, व्हाट दे डू, द जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेसीज हैं आर सिमिलर देन इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन कलर्स. और वो कलर्स में शायद डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनके जो भी हैबिट्स है वो सब सिमिलर रहेंगे. जैसे हम हेन को देखो, हेन्स के मे बी कलर्स अलग होते हैं, लेकिन उनके हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है, रहना है, वो सब इक्वली रहेगा. जैसे ही हम स्नेक्स में भी देखते हैं, स्नेक्स के कलर डिफरेंट है बट देयर हैबिट इज सिमिलर. इसी तरह से यहाँ पर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पेसीज. द सेम इज ट्रू इन द केस ऑफ एनिमल्स लाइक हेन, काउ, डॉग एक्सेट्रा एंड प्लांट्स लाइक मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा. तो ये हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन आप ऑल अराउंड देखोगे तो जितने भी स्पेसीज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब ऑल अराउंड वर्ल्ड में एक जैसे ही होते हैं और उनको एक सिमिलर नेम दिया गया है. और उनकी जो जाति है, प्रजाति होती है या जाति होती है, तो वो कैसी है, वो सिमिलर ही होगी. जो न्यू बॉर्न होगा वो भी वैसे ही होगा. देन हियर इज गिवन सम इंफॉर्मेशन फॉर अस. ये इंफॉर्मेशन हम देखेंगे. यहाँ पर दिया है, फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया क्लासिफाइड बाय द बायनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे क्लासिफाई किया गया है. लिविंग थिंग्स जो है ये दिए है नेम्स, और उनके साइंटिफिक नेम भी दिए हैं. तो ये साइंटिफिक नेम है, ये पूरे कैसे हो गए इंटरनेशनली, इनके ये कोड्स है, ये ऐसे ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर. तो हम अभी देखेंगे लिविंग थिंग एंड साइंटिफिक नेम्स. डॉग, डॉग को क्या नेम दिया गया है, कैनिन, नुपस, फैमिलियस, फैमिलरीज. देन काउ, काउ को दिया है बॉस, टॉरस. देन हिबास्कस, हिबास्कस मतलब रेड फ्लावर जो होता है गणपति जी को हम चढ़ाते हैं, गणेश जी को, वो रेड फ्लावर, उसे क्या नाम दिया है, रोज, सैन एंड सीरीज. देन जवार, जवार जो होता है जिसे रोटी बनती है, उसे क्या नाम दिया है, सोरगम, सोरगम बाय कलर. इस तरह से इसे नेम्स दिए हैं. और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन भी हमें दिया है अबाउट द फ्रॉग. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक वन लाइन आंसर के लिए, या आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स मैच करने के लिए भी आ सकता है.
29 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे. किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसने क्या किया है 29 अप्रैल को वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के लिए उसे दिन को चुना गया है. इस दिन को फ्रॉग प्रोटेक्शन डे कहा गया है. ठीक है, अभी लास्ट लाइन देखेंगे. फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस इन क्लास. तो ऐसे आपको अगर नेम सर्च करने हैं तो आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो. अभी जैसे मैंने बताया था कि थर्ड जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस करने वाली हूँ. तो अभी हम देखेंगे इसके आंसर्स. फाइंड माय मैच, तो इसे मैच हमें फाइंड करना है. लोटस, तो लोटस को हम, हमें पता है लोटस क्या है, एडॉप्टेड टू लिव इन वाटर. हाँ, वाटर में लिव रहने के लिए उसे एडॉप्टेशन दिया है. तो यहाँ पर इसका एक आंसर आ गया है डी. देन अलॉय, मतलब जो एलो होता है एलोवेरा, वो के क्या दिया हुआ है, इसे एडॉप्टेशन क्या दिया है, एडॉप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट, नो. देन फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट, नो. देन इट हैज द एडॉप्टेशन ऑस्टोरियल रूट्स फॉर एडॉप्टेशन ऑफ फूड. इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला. हाँ, कैस्कुटा जो है ऑस्टोरियल रूट्स का है, इसके लिए यहाँ पर आ गया है बी. नाउ एडॉप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट्स कौन से हैं, तो ये एलोए है इसीलिए यहाँ पर आ गया है सी. देन विनस फ्लाईट्रैप अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स को और उसे क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं. तो फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, तो डी फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए. इस तरह से आप लोगों को ये मैच करने हैं. देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या पैराग्राफ दिया है, मैं एक बार उसे रीड करती हूँ. आई एम अ पेंगुइन, आई लाइक इन पोलर, आई लिव इन पोलर रीजन्स कवर्ड बाय स्नो. माय एब्डोमेन इज वाइड, एब्डोमेन मतलब स्टमक का पार्ट. माय स्किन इज थिक विथ अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ. इसका स्किन कैसे है, थिक है, उसके स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट है. माय बॉडी इज स्पिंडल शेप, और बॉडी कैसी है, स्पिंडल शेप, जैसे फिश का हमने देखा है. देन माय विंग्स आर स्मॉल, माय टोज आर वेब्ड. वी लिव इन फ्लोक्स, फ्लोक्स मतलब वो ग्रुप में रहते हैं. हाँ, तो ये कौन सा एनिमल्स हमें दिया है, पेंगुइन, और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर्स अभी हमें देखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाई इज माय स्किन वाइड एंड थिक एंड व्हाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ. नाउ हमें पता है कि जो पोलर ये है पेंगुइन है वो कहाँ रहता है, ये रहता है पोलर रीजन में, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. हाँ, इट इज़ द स्नोई रीजन, इसीलिए उसके स्किन को प्रोटेक्शन के लिए थिक लेयर अंडरनीथ होता है, फैट का थिक लेयर होता है. तो ये आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में मैं इसके आप लोगों को आंसर दे रही हूँ, आप उसे देख लेना. अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको हिंदी में. व्हाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स, स्टिकी क्लोज टू ईच अदर, अब एक दूसरे के साथ में चिपक कर क्यों रहते हैं, बिकॉज उसके वजह से क्या होता है, वो जो प्रेडेटर्स है उनके ऊपर अटैक करने वाले एनिमल्स उनसे वो बच सकते हैं, और ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ में होने के वजह से उन्हें उस सराउंडिंग में अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही सेफली वो सर्वाइव कर सकते हैं, सराउंडिंग से बच सकते हैं. ठीक है, इसीलिए वो फ्लॉक में रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं. स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को डस कर चिपक कर. विच ज्योग्राफिकल रीजन्स डू आई इनहैबिट, वाई, अभी ज्योग्राफिकल रीजन्स डू आई इनहैबिट, तो ये कहाँ पर कैसे रहते हैं, तो पेंगुइन स्टे इन द पोलर रीजन, कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, एंटार्क्टिका रीजन में, स्पेशली इन द एंटार्क्टिका रीजन, और वो कैसे है, पूरा स्नोई है.
तो इसीलिए वे जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट, तो वो कहाँ रहते हैं हमने बता दिया है, और एंड वाई बिकॉज टू फॉर द अवेलेबल ऑफ द पेंगुइन, द फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए इसीलिए वो वहाँ पर रहते हैं। तो ये आंसर्स में सब चारों आंसर्स आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, यू डोंट वरी अबाउट दैट। विच अडॉप्टेशन शुड यू हैव टू अनेबल्स यू टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन, वाई अगर परमानेंटली पोलर रीजन में रहना है तो विच टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशन यू हैव टू अनेबल। सो इन ऑर्डर टू परमानेंटली इनहैबिट इन द पोलर रीजन द बॉडी शुड बी अडॉप्टेड कोल्ड टेम्परेचर, जो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ का मतलब एकदम ठंडा क्लाइमेट, हाँ वहाँ रहने के लिए पहले बॉडी को चेंज होना पड़ेगा। और फिर क्या करना है, अपने बॉडी को बॉडी में जो फैट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, वो फैट लेयर बढ़ना चाहिए तो स्किन प्रोटेक्ट होगी ठंडी से, ठीक है। इस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर्स आप लोग बाद में देख लो। अभी हम करेंगे हु इज लाइंग, हु इज लाइंग मतलब कौन झूठ बोल रहा है। हियर इज गिवन कॉकरोच, कॉकरोच के लिए क्या दिया है सेंटेंस, आई हैव फाइव लेग्स, तो कॉकरोच को तो फाइव लेग्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स कॉकरोच इज लाइंग, तो हम लिखेंगे कॉकरोच इज लाइंग, कॉकरोच हैज सिक्स लेग्स। देन सेकेंड आंसर, हेन का क्या दिया है, माई टोज आर वेब्ड, तो आपने हेन तो देखा हुआ है उसके लेग्स वेब्ड नहीं होते हैं, तो वेब लेग किसके होते हैं, डक के होते हैं, तो वी कैन से हेन इज लाइक इट्स टोज आर नॉट वेब्ड। देन कैक्टस, कैक्टस कह रहा है माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज लीफ, तो हमने कैक्टस देखा है तो फ्लेशी ग्रीन पार्ट क्या होता है, वो जो फ्लेशी पार्ट होता है दैट इज अ स्टेम, देयरफॉर हम यहाँ पर बताएंगे द कैक्टस इज लाइंग इट्स फ्लेशी एंड ग्रीन पार्ट इज स्टेम, तो ये लीफ को कट करके हम लिखेंगे स्टेम। तो ये आंसर्स भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसे भी आप देख लेना। देन वी हैव हियर रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट अडॉप्टेशन विथ रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट, तो हमें यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखने हैं, अडॉप्टेशन के रेफरेंस के बारे में हमें लिखना है। नाउ फॉर फर्स्ट वी कैन राइट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेसिडिंग इन एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट शो एप्रोप्रिएट अडॉप्टेशन इन देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस, लाइक कैमल शोज मैनी अडॉप्टेशन लाइक मॉडिफाइंग लेग्स आईज नोज एंड द हम्प ऑन द बैक, हाँ हम्प होता है ना उसके बैक पर क्या करने के लिए, तो उसमें वो पानी स्टोर करके रख सकते हैं। देन रैट स्नेक स्पाइडर एंड लिजर्ड एस्केप द हीट ऑफ द सन बाय रिमेनिंग इनसाइड द डीप बरो, वो डीप बरो के अंदर रहते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में वो बाहर आते हैं टू फाइंड द फूड। देन प्लांट्स लाइक डिफरेंट स्पेसीज ऑफ कैक्टी हैव स्पेशली मॉडिफाइड बॉडी स्ट्रक्चर्स विथ विच दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट टू, तो इस तरह से एक्सट्रीम हीट में एडप्टेशन किया है। अभी देखेंगे ग्रासलैंड आर लश ग्रीन, जो ग्रासलैंड होते हैं बहुत एकदम भरे हुए रहते हैं ग्रीनी से, द वाटर अवेलेबिलिटी इज एम्पल्स इन ग्रासलैंड, द वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है ग्रासलैंड में, देयरफॉर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड श्रब्स, द फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रासेस होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोज करके रखता है मतलब पकड़ के रखता है। इन इक्वेटोरियल रीजन्स देयर अ लश ग्रीन ग्रोथ ड्यू टू द सनलाइट एंड एबंडेंस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्लांट्स कवर ऑन ऑल द साइड्स ग्रासलैंड लुक लश ग्रीन, तो ये आंसर्स भी बच्चों मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो आप वो आंसर्स एक साथ में ही देख सकते हैं। एंड थर्ड दिया है इंसेक्ट्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर्स, इंसेक्ट्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर बिकॉज द इंसेक्ट्स अडॉप्ट टू एनी काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स
सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई दे हैव एडॉप्टेशन लाइक लाइट बॉडीज और टू पेयर्स ऑफ विंग्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग. तो इंसेक्ट को अभी देखा है आपने, फ्लाइज देखे होंगे, हाँ तो वो उड़ते हैं क्योंकि उनके जो विंग्स हैं वो एडॉप्ट हो गए हैं, उन्हें विंग्स आए हैं, तो इसके वजह से वो फ्लाई भी कर सकते हैं. एंड सम इंसेक्ट्स आर ऑल्सो एक्वेटिक, सम स्टे नियर द वाटर बॉडीज, और कुछ एक्वेटिक होते हैं, पानी के ऊपर रहने वाले इंसेक्ट भी होते हैं. एंड सम आर इन डेजर्ट टू, और कुछ इंसेक्ट डेजर्ट में भी रहने वाले हैं. सो मैनी हैव एबिलिटी टू कैमोफ्लैज विद एनवायरमेंट, और सब में क्या है, कैमोफ्लैज कर सकते हैं अपने आप को, मतलब अपने रंग बदल सकते हैं. क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जो प्रेडेटर्स है, शिकारी है, उनसे बचना है. दे कैन रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स ड्यू टू ऑल सच एडॉप्टेशन, इंसेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर, और वो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम जो इंसेक्ट्स है उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर्स में देख सकते हैं एनवायरनमेंट में. देन थर्ड खोद दिया है, वी हाइड, सम ऑफ दीज हाइड्स आर वीक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, दे हाइड इन देयर हैबिटेट, द कलरेशन ऑफ देयर बॉडी मिक्स विद द सराउंडिंग्स एंड द एनिमीज डू नॉट सी दीज हाइडिंग क्रिएचर. और वो क्यों छुपते हैं, क्योंकि छुपने की वजह से जो एनवायरमेंट है हाँ उसमें उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और या अंदर अपने जो प्रोटेक्शन प्लेसेस होते हैं, प्रोटेक्टिव प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जाके छुपते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप को एनिमीज से बचाना है. सम ऑफ देम हाइड ऑल्सो फॉर कैचिंग प्रे, और कुछ हाइड करते हैं बिकॉज टू कैचिंग प्रे. नाउ वी विल सी द लास्ट वन, वी हैव लॉन्ग ईयर्स. अभी लॉन्ग ईयर्स क्यों होते हैं, व्हाई दे हैव लॉन्ग ईयर्स, हाँ इसका क्या मेन एडॉप्टेशन क्या है. सो लॉन्ग ईयर्स आर सीन इन हार्बिवोरस एनिमल. हार्बिवोरस एनिमल्स जो हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, इनके हमने लॉन्ग ईयर्स देखे हैं. दे हैव टू अलर्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ प्रेडेटर्स कार्नियर, जो कार्नियोरस एनिमल्स है, लायन टाइगर, इनके अटैक से उन्हें बचना है, उन्हें अलर्ट होना है, तो उन्हें दूर की भी आवाज़ सुनने आनी चाहिए. इसीलिए उनके कान कैसे होते हैं, ईयर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं. दे कैन मूव देयर ईयर्स टू लोकेट द एप्रोप्रिएट प्रे, इट इन केस ऑफ सच डेंजर दे रन अवे इन अ हर्ड. हैविंग लॉन्ग ईयर्स इज एन एडॉप्टेशन टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज. लॉन्ग ईयर्स के वजह से मेन एक ही पॉइंट है कि वो प्रेडेटर्स का आवाज़ दूर से और कौन से साइड से आ रहा है ये भी आराम से इजीली सुन सकते हैं. ठीक है, तो ये चारों आंसर्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, तो दिस आंसर आई विल शो यू इन टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 5. द कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज द डेजर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवर स्केर्सिटी ऑफ वाटर. The desert, the animals like the camel has thick skin to prevent loss of water from the body. Their legs are long with flat and cushioned sole. The nostrils are protected by fold of skin and the eyelashes are long and thick. So this is the reason because it can survive in desert and it is called the sheep of desert. So ye answer aap logon ko फ्रॉम हियर टिल हियर यू हैव टू कंटिन्यू, बट बीच में आप लोगों को क्या लिखना है, हैंड्स को कट करना है. एंड डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल हैव को कट कर दो, और डेजर्ट एनिमल्स के बाद लिखना है लाइक कैमल हैज अ थिक, यहाँ से कंटिन्यू करना है टिल हियर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एकेशिया लिव इन डेजर्ट्स With scarce water. तो हम इसे भी हम देखेंगे पेज नंबर 2 पे देखेंगे आंसर. हम कंटिन्यू क्वेश्चन से ही करेंगे और आगे लिखेंगे बिकॉज दे आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न
एज अ रिजल्ट दे लॉस वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन. द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी. द स्टेम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स. देयर रूट्स पेरिनेट, उनके रूट्स क्या करते हैं, दूर तक जाते हैं, पेरिनेट करते हैं डीप इन टू द सॉइल. एंड सम रूट स्प्रेड अवे इन टू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. और जो रूट्स होते हैं सम रूट्स, वो पानी को ढूंढने के लिए दूर तक जाते हैं. देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंसेस ऑन द स्टेम ऑफ दिस प्लांट. और उनके स्टेम के ऊपर क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसके वजह से इवेपोरेशन भी बहुत कम होता है. मतलब पानी जो अंदर स्टोर किया है वो इवेपोरेट नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ टू. तो आपको यहाँ पर जैसे लिखना है, क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और फिर लिखेंगे बिकॉज दे आर आइदर. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. देन वी सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एडॉप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग. तो एडॉप्टेशन जो इंटरडिपेंडेंट क्या है उसको हम देखते हैं. दिस आंसर वी विल सी ऑन पेज नंबर 7. चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल टू लीव फीड प्रोड्यूस टू परपेट्यूट देमसेल्व्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन. द ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्ड करस्पॉन्डिंग एडॉप्टेशन. तो दिस सेंटेंस यू हैव टू एड. आप ये सेंटेंस को बुक में लिख लो तो आपको ये आंसर कंप्लीट पता चलेगा. आगे का पार्ट नहीं लेना है, टिल हियर वी विल कंप्लीट एंड देन वील एड दिस सेंटेंस. द ऑर्गेनिज्म एक्वायर करस्पॉन्डिंग एडॉप्टेशन. ओके, तो ये आंसर थर्ड का है. देन वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड. तो ऑर्गेनिज्म जो है उसे क्लासीफाई कैसे करते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक. उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई करते हैं. तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक. इसके बाद लिखेंगे अ हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद द किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड depending upon the basic similarities and differences. Okay, this answer is for the 5.4. Fifth question, जो main question है उसका ये fourth answer है, मतलब D का ये answer है. ठीक है, तो आप इसे note कर लो. और यहाँ पर जैसे मैंने बताया है वैसे आपको change करना है. Plants and animals are classified according to their characteristic. तो ये sentence आपको continue करना है. Okay children, तो मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है दे दिए हैं. और जो आंसर्स मैंने आपको बताए थे इसके आंसर्स मैं पीछे आप लोगों को एंड में दे रही हूँ, आप उसे भी देख लो. जब जो जो आंसर्स मैंने कहा है एंड में देने वाली हूँ वो आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ. और जो टेक्स्ट बुक से दिया है वो मार्किंग, आप टेक्स्ट बुक अगर साथ में रखी हो तो आप उसे मार्किंग कर दो. बच्चे इस तरह से मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन कम्प्लीट कर दिया है और सेकेंड लेसन भी मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ. तो उसके लिए अगर सेकंड लेसन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो. थैंक यू.